जय। गढ़कली का माता की जय। और समाज जिंदाबाद। और समाज जिंदाबाद। सभी को मेरा जय राजा भोज। मैं पवार समाज एकता मंच उत्तर नागपुर अध्यक्ष प्रकाश पटले आपको इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नितिन राउत द्वारा 15 मई 2023 को उनके लेटर के हिसाब से एनआईटी द्वारा हमें जमीन एवं फंड का साहब ने हमें दिया, समाज भवन के लिए दिया, लाइब्रेरी के लिए दिया, बट उस पर कुछ भूमापिया है जो आज राउत साहब का नाम खराब कर राउत साहब का नाम खराब कर कुछ लोग पार्टी बेस पे ला कर के समाज के कुछ लोग है जो दो चार लोग है जिनको साथ में लेकर के वो लोग भूमाफिया का काम कर रहे हैं, जिसपे पेपर एड भी गलत, पेपर एड के खसरा नंबर पे गलत फंड लाने का आरोप है और वो लोग इस टाइप से हरकतें करके कहीं ना कहीं भूमाफिया वो लोग सिर्फ ये करते हैं कि गलत खसरा बताकर लोगों को गुमराह करके समाज को गुमराह करके अपनी बड़ी मंजिलों को वो लोग अपना मकसद बनाते हैं। ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि समाज दूर रहे और समाज में जो जिस टाइप का नफरत फैलाना काम कर रहे हैं, हमारे पास सभी प्रकार का ये है, हमारे पास सभी प्रकार का प्रूफ है कि हमें फंड भी राव साहब द्वारा मिला गया, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। जो भू माफिया है समाज को गलत दिशा में ले जा करके वो लोग अपना एक षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले सभी को जय राजा भोज और पत्रकार संघ की जय हो, विनीत हो। हम लोग पवार समाज से जो आए हुए सभी लोग हैं, पवार समाज के लोग हैं, गरीब मजदूर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित भी किया गया। वजह यह है कि 31/8/2024 को कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारे पवार समाज में है, तो पवार समाज से बट वो जो है तो बीजेपी के आदमी है और इन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाया, डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगाया कि पवार समाज के फंड को डॉक्टर नितिन राउत साहब रोक रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। मैं इस बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताना चाहूँगा, इस न्यूज़ को पूरा चलाइएगा। हमारी समाज जो है, समाज का गठन सन 2016 में हुआ, 15 से लेकर, तब हम 4-5 लोग ही समाज में थे और हमने इसको गठित किया सब लोगों को अपने मत में लेकर के। तब पवार समाज एकत्रित नहीं थी, यहाँ गठित नहीं थी उत्तर नागपुर में, अन्य अन्य जगह पर थी। और 2016 में हमारा एक कार्यक्रम हुआ मातोश्री भवन में, तब भी जो भी यहाँ के विधायक और जो जो यहाँ के नगर सेवक है उन सबको आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर भी हम लोगों ने मांग रखी कि हमारा समाज भवन चाहिए, कुछ कार्यक्रम जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, जिनसे हो नहीं पाता कहीं जाकर देने के लिए, तो हम सब लोगों ने इस बात को रखी थी। उस समय भी ठीक है आपका समाज भवन बन जाएगा ऐसा बोला गया, लेकिन जब 2019 में फिर से हमारा एक कार्यक्रम राजा भोज जयंती का मनाया गया जेपी लान में, तब माननीय हमारे डॉक्टर अपना बावनकुले साहब जी वो आए हुए थे और उनके सामने हमने बात रखी कि सर हमारे मासूम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए समाज भवन की अति आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको समाज भवन मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको अलॉट कराएंगे। 2018 से लेकर के आज 2024 आ गया तो आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन 2023 में जो है हम लोगों ने फिर से, जब डॉक्टर साहब के पास में हम लोग, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल आया, समाज के बहुत सारे लोग आए और बोले कि साहब हमारी बहुत समस्या है, हमें कैसे भी करके समाज भवन चाहिए, हम लोग कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आपकी कुछ भी दया हो जाए थोड़ी बहुत, जो हमारे जिस पर हमारा हक है कि आप हमारे आमदार हैं तो हम आपके पास ही आए हैं,